रायबरेली से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग से टकराकर पलट गया। ट्रक पलटने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को बाहर निकाला और जगतपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बकेवर थाना क्षेत्र के हाईवे मार्ग शकुराबाद में शुक्रवार देर शाम शिव देवी, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, वो हरदासपुर हैंडपंप से पानी भरने के लिए हाईवे मार्ग पार कर रही थी। बाइक सवार विनोद, जिनकी उम्र लगभग कम ही बताई जाती है, अपने घर शाहजहांपुर जा रहे थे। बाइक अनियंत्रित होने से महिला से टक्कर हो गई, जिस पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बता दें आपको कि घायल वृद्ध महिला के परिजनों ने स्टेट हाईवे जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंचकर बकेवर पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया है। महासमुंद से घटना है, जहां पर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार के भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद सरकार की अनदेखी के चलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा, जिसकी वजह से जहां एक ओर शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं स्कूलों में, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की भी शिकायत है कि उन्हें ढंग से विषयों को पढ़ाया नहीं जाता। मैं तो 2008 से जब से यहाँ पर आई हूँ, मैं तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है, भूगोल के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स हाँ भूगोल और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है। तो मैं यहाँ पर जब से, मतलब 2008 से आई हूँ, तब से मैं राजनीति विज्ञान यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और पिछले साल मेरा मतलब मैं एचएम में हुआ है, मिडिल स्कूल एचएम में, लेकिन यहाँ पर राजनीति विज्ञान के कोई लेक्चरर न होने के कारण मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मैं तो 2008 से जब से यहाँ पर आई, यहाँ पर करीबन 12 सेक्शन है और हिंदी की जो व्याख्याता हैं पहले 3 थे और उसमें से 2 व्याख्याताओं का स्थानांतरण हो चुका है, तो केवल एक ही व्याख्याता हिंदी के कार्यरत हैं अभी, श्री एस कुमार, और बाकी उनके 3 पीरियड पढ़ाने के बाद जो बाकी 9 सेक्शन का हिंदी है वो साइंस वाले और कॉमर्स वाले ही उसका अध्यापन कर रहे हैं। दिक्कत तो आती ही है, साइंस वाले यदि हिंदी पढ़ाने लग जाएं तो निश्चित रूप से बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुचि है वो निश्चित रूप से कमी पाई जा रही है। प्राचार्य के रहने से जो है शिक्षकों में एक सामंजस्य रहता है, वो बना रहता है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर भी प्राचार्य के नहीं होने से प्राचार्य का भार मुझे संभालना पड़ रहा है। इसमें हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन विवेक दास सर हम लोगों के अभी हिंदी टीचर बने हैं हम, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं विवेक दास सर हिंदी में, वो ठीक से पढ़ाते हैं और हम लोगों को समझ भी आता है। और घर में जाके कैसे स्टडी करते हैं आप लोग? घर में जो स्कूल में पढ़ाते हैं फिर उसको घर में जाके पढ़ते हैं हम लोग, तो समझ आता है। और इस बीच गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की 2.25 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार फुल्लनपुर में जमीन कुर्क की गई है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के नाम 3 जमीनें पुलिस ने सीज कर दी है। आपको बता दें गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस प्रशासन ने एक कुर्क की कार्रवाई की है, जहां पर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उसकी 3 जमीनें कुर्क कर ली गई हैं, 2.25 करोड़ की जमीनें कुर्क कर ली गई हैं। आफसा अंसारी के नाम पर 3 जमीनें थी जिन्हें पुलिस ने सीज कर लिया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।